नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जो रीट लेवल फर्स्ट है यानी कि जो BSTC की डिग्री है, उस पर वर्तमान में एक बहुत बड़ा संकट गहरा रहा है। आपको ये जानकारी होगी क्योंकि जो रीट 2021 में BEd BSTC का विवाद उत्पन्न हुआ था, उस विवाद के कारण है वो भर्ती प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के पड़ाव आपको देखने को मिले थे। लेकिन BSTC संघर्ष समिति ने एक मजबूत एडवोकेट की टीम तैयार करके हमारे को है वो राजस्थान हाईकोर्ट में तो जीत दिलवा दी, लेकिन वर्तमान में इस मैटर को है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। और इस मामले में वो 4 फरवरी को सुनवाई हुई थी और आगे है वो इस मामले में 22 फरवरी की डेट दी गई है, उस दिन इस मामले में सुनवाई होगी। और जो NCT है उसने और भारत सरकार ने इस संबंध में वो अपने जो भी कैविट वगैरह है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी है। और अब मामला ये है कि BSTC के सामने BEd, NCT और भारत सरकार तीनों हैं, लेकिन BSTC संघर्ष समिति एक पहाड़ की तरह खड़ी हुई है। तो आप आर्थिक सहयोग करें ताकि इस मामले में है वो फैसला हो जाए और आगे जो भर्ती प्रक्रियाएं आने वाली उसमें किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न ना हो। तो जो भी BSTC धारी है वो संघर्ष समिति को आर्थिक सहयोग करें, क्योंकि ये विवाद अगर यहीं पे समाप्त हो जाता है तो अपना जो भविष्य है वो बच जाएगा। तो आप BSTC संघर्ष समिति का जो BSTC अर्जेंट नाम से टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे जुड़ें। ग्रुप की लिंक है मैं इस वीडियो के कमेंट में पिन कर दूंगा, आप वहाँ पे जुड़ें ताकि आपको जानकारी हो कि वर्तमान में संघर्ष समिति क्या कर रही है, मामले में क्या चल रहा है, क्या होगा, ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और जो साथी इस रीट 2021 में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उन साथियों से मेरा विशेष निवेदन है कि आप आर्थिक सहयोग करें, क्योंकि अगर इस भर्ती प्रक्रिया में 22 तारीख को स्टे की संभावना रहती है, अगर स्टे आ जाता है तो ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने में वो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो पंजाब में ETT BEd का विवाद उत्पन्न हुआ था उसमें है वो 2 साल से पिछली भर्तियाँ लटकी हुई है, तो ऐसा न हो इसके कारण आप आर्थिक सहयोग करें। और जिन साथियों के कम अंक है वो भी सहयोग करें ताकि जो 2022 में अगली रीट आ रही है उसमें आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। तो सभी साथी अपनी श्रद्धा अनुसार आर्थिक सहयोग करें और जो रीट के संबंध में जो वर्तमान विवाद उत्पन्न हो रहे हैं आप उन विवादों से बच के रहें, जो होना है वो होगा। जिन साथियों के कम अंक है वो अपनी आगे की तैयारी है वो शुरू कर दें। और ये जो लेवल फर्स्ट की कट ऑफ है ये 22 फरवरी के बाद कभी भी जारी हो सकती है। बीकानेर निदेशालय में हमारे किसी साथी ने संपर्क किया था तो वो बता रहे थे कि 22 फरवरी के बाद में यानी कि फरवरी लास्ट में कभी भी कट ऑफ जो 2 गुना कट ऑफ है वो जारी हो जाएगी। तो सभी साथी है वो किसी भी प्रकार के भ्रम में न रहें और समिति को आर्थिक सहयोग करें ताकि इस मामले में है वो मजबूत पैरवी करवाएँ और चीज़ सुनिश्चित करें। अगर साथियों ये मेरी जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।